नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम क्राइसेंथेमम्स की कटिंग को कैसे ग्रो करें, मतलब कि गुलदाउदी की कटिंग कैसे ग्रो करें। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले अपना एक मदर प्लांट सेलेक्ट करेंगे गुलदाउदी का, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये हमने एक अपना जो मदर प्लांट है गुलदाउदी का, उसको सेलेक्ट किया और हमने उसकी एक जो कटिंग है वो भी टॉप एरिया से हमने एक कटिंग लेनी है। 3 से 4 इंच की कटिंग होनी चाहिए। जो आप देख रहे हो, ये मैंने 3 से 4 इंच की कटिंग ली हुई है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मुझे एक प्लांट सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम एक कटिंग उसकी करेंगे। मतलब कम से कम 2 से 3 इंच की कटिंग होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, 2 से 3 इंच की मैंने कटिंग जो है उसको कट करा हुआ है। ये देखिए, इसमें कम से कम 3 से 4 नोड एरिया हों। अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम ग्रो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये कटिंग ली हुई है जो हमने वहाँ से अपने मदर प्लांट से कट करी हुई थी। अब इसके जितने भी लीव्स हैं इनको सबको हम रिमूव कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, हमने इसके जितने भी लीव्स हैं सभी को मैंने रिमूव कर दिया। केवल टॉप एरिया के लीव्स ही रखे हैं इसमें, बाकी मैंने सारे लीव्स हटा दिए हैं। ऐसा ही हम सारी अपनी कटिंग के साथ करेंगे। जितनी भी हमारी कटिंग है उनके सबके लीव्स हम ऐसे ही हटा देंगे। लीव्स हटाने का कारण ये होता है कि ये जो लीव्स होती हैं ये हमारे प्लांट का मॉइस्चर लेती हैं, एनर्जी लेती हैं, और इन ये जब सॉइल में लग जाती हैं, सॉइल के अटैच में आती हैं, तो ये फंगस इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे हमारा प्लांट गलने का ख़तरा रहता है। तो हम इसकी लीव्स जो होती हैं नोड एरिया की, जो नीचे साइड की होती हैं, उनको हम हटा देते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ये सभी अपनी कटिंग जो है रेडी कर ली हुई हैं। अब हम चलते हैं इनको शिफ्ट करने अपने पॉट में। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम एक कोई भी पॉट ले लेंगे, चाहे वो प्लास्टिक का हो या टेराकोटा का पॉट हो मिट्टी का। उसमें हम अपनी सॉइल मीडिया फिल करेंगे। आप कोई भी नॉर्मल सॉइल ले सकते हो, सैंड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। उसमें हम अपनी जो ये कटिंग्स हैं उनको ग्रो करेंगे। तो जो हमने पॉटिंग मिक्स जो तैयार किया हुआ है, ये जैसा कि आप देख रहे हो, अब इसमें हम किसी भी स्टिक की सहायता से या किसी की सहायता से इसमें होल करेंगे और उसमें अपनी जो कटिंग्स हैं उनको ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हम इसमें एक के बाद एक कटिंग जो है शिफ्ट कर दे रहे हैं। और हमें कटिंग जब हम शिफ्ट करेंगे तो उसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक कटिंग से दूसरी कटिंग के बीच में कम से कम 1 इंच का गैप होना चाहिए। इससे हमारी कटिंग जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे या इनको हम अलग हटा के दूसरे पॉट में लगाएंगे, तो इनकी जो रूट वगैरह है वो डैमेज नहीं होंगी, आपस में इनमें रूट बॉन्डिंग का ख़तरा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपनी जितनी भी कटिंग्स हैं उनको हमने ऐसे लगा दिया हुआ है। और अब हम इनको क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे। तो वाटरिंग में हमको क्या करना है कि थोड़ा सा हमको रूटिंग हार्मोन्स, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप डाल सकते हो वाटरिंग वाले वाटर में, नहीं तो आप इनको ऐसे ही नॉर्मल जो भी आपने सॉइल ली हुई है उसमें ऐसे लगा के इनको शेड में रख देंगे, तो ये ग्रो हो जाती हैं आराम से। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारी कुछ जो कटिंग्स हैं जो मैंने आज से 20 दिन पहले लगाई हुई थी, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रो कर गई हैं। इनकी मैंने ये कटिंग जो है मैंने वो भी इसी तरीके से लगाई हुई थी, ये सभी ग्रो कर गई हैं। अभी मैं इसकी कटिंग्स निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें देखिए कैसा क्या रिजल्ट मिला है मुझको। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कटिंग इसकी निकाल ली हुई है, तो इसमें आप देखेंगे, ये देखिए कुछ रूट्स वगैरह भी इसमें आना शुरू हो गई हैं अभी। मतलब इसमें न्यू रूट जो है वो आना स्टार्ट ही हुई हैं। तो अभी मैं इनको कुछ दिन रोक के रखूँगा इसी पॉट में, उसके बाद मैं इनको रिपोर्ट करके अपने दूसरे किसी पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमने अपनी जो सभी कटिंग है उनको ग्रो कर लिया हुआ है। और ये आप देख रहे हो जो कटिंग्स हैं, ये मुझे किस जो हमारे एक सेलर है उन्होंने गिफ्ट करी हुई हैं, हमारे लोकल के ही हैं सेलर जो हैं, उन्होंने मुझको ये गिफ्ट करी हुई थी। तो फ्रेंड, इसमें भी जो प्रोसेस होता है वो भी सेम यही प्रोसेस होता है। तो ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल को। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।